रहे प्रशांत किशोर कुछ लोगों से बातचीत करते और सुने जा सकते हैं। और कथित ऑडियो में प्रशांत किशोर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती की बात करते हुए सुनाई दे रहे। ऑडियो में प्रशांत दावा कर रहे हैं कि 2021 में बंगाल चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। क्यों ऐसे पूरे तथ्यों के साथ समझा भी रहे हैं। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as? What is it? Because it's not like they haven't seen, you know, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly, Prashant. इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10% 15% 20% 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर यहाँ पे। मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जिस जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है,